हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मूर्ति में शेड या डिटेल्स कैसे ऐड करें। हमने देखा होगा कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो मूर्ति के स्किन में डिटेल्स दिखाने के लिए एक पाउडर फॉर्म के कलर का यूज़ करते हैं, बट प्रॉब्लम ये आता है कि वो कलर्स आसानी से अवेलेबल नहीं होता। अगर होता भी है तो मूर्ति के स्किन के कलर के ऊपर ठीक से नहीं लगता, तो ऐसे सिचुएशन में आप हाइलाइटर मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले मूर्ति में कलर्स ऐड करने के बाद उसमें वार्निश का एक कोट अप्लाई कर देंगे, जिससे कि मूर्ति में हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए एक सॉफ्ट बेस मिल सकता है। उसके बाद आता है हाइलाइटर का काम। मैंने यहाँ पर फेबर कैसल का हाइलाइटर मार्कर यूज़ किया है। मैंने इस मूर्ति में कृष्ण जी का स्किन नॉर्मल स्किन कलर का रखा है, तो इसके लिए पिंक कलर का हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो ब्लू कलर के स्किन के ऊपर ब्लू हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो। हाइलाइटर को स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद उसको उंगली से थोड़ा स्प्रेड कर देने से वो ठीक से ब्लेंड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दोनों गाल पे हाइलाइटर का यूज किया है, जिससे एक नेचुरल ब्लश का इफेक्ट आएगा। सेम प्रोसेस में मैं नोज पर और चिन पर यानी होठों के नीचे हाइलाइटर का अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद हाइलाइटर मार्कर को थोड़ा सा आँखों के ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ। वैसे मूर्ति में आँखों के ऊपर ही जो पिंक कलर का ऐसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अक्सर गर्ल्स लगाते हैं ना तो आप लोगों को अगर पता है नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। हाइलाइटर मार्कर देखिए फेस में कैसा क्यूट इफेक्ट दे रहा है। सेम प्रोसेस हम हाथों में भी रिपीट कर देंगे। ऐसे करके हाइलाइटर मार्कर को ठीक वैसे ही पूरे बॉडी में भी यूज करना है, कुछ इस तरह। ही अगर आपके पास पाउडर कलर अवेलेबल नहीं है तो आप हाइलाइटर मार्कर का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।